हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरि द मैथ्स गुरु। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें हमने डिस्कस किया कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर नेट और गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो उन्हीं के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक पेपर ले रहे हैं क्वेश्चन पेपर, उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ जो इस पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जिससे कि सॉल्यूशन डिस्कस करने के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। पूरा ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी का, वो आपका रिवाइज हो जाए, फास्ट ट्रैक में रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड एरिया इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन सा जो शेडेड एरिया है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, वो हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी, व्हाट इज कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि कोई भी सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा अगर हम उस सेट के अंदर कोई भी दो पॉइंट लें तो उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो सेट पॉइंट बनेगा वो भी उस सेट पे लाई करे। या हम दूसरी डेफिनेशन के भी अकॉर्डिंग भी देख कर सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि किसी भी सेट का कॉन्वेक्स सेट होना है तो उसके अंदर कहीं पर भी अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पूरी तरीके से अगर सेट के अंदर लाई करती है तो सेट कॉन्वेक्स सेट होगा। यानी कि एवरी टू पेयर ऑफ पॉइंट्स इन ए सेट, अगर सेट के अंदर कोई भी दो पेयर ऑफ पॉइंट लेते हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से सेट में लाई करेगी तो सेट कॉन्वेक्स सेट होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये शेडेड रीजन है सर्कल के अंदर वाला, अगर हम इसके अंदर कोई भी दो, कहीं पर भी दो पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है पूरी तरीके से इसी के अंदर लाएगी करेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब ये सेट कॉन्वेक्स सेट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स सेट है। बट वो पूछा है कॉन्वेक्स सेट कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में बात करें तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर भी इसमें शेडेड रीजन में देखें तो कहीं पर भी हम कोई दो लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पूरी सेगमेंट यानी कि रेखाखंड पूरी तरीके से इसके अंदर लाई करेगा, इसलिए ये भी कॉन्वेक्स सेट है। और सिमिलरली ये भी सेट कॉन्वेक्स सेट होगा क्योंकि इसमें भी कोई भी दो पॉइंट कहीं पर भी लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इसी में लाई करेगी। यहां पर ये जो रीजन आर है, इस रीजन आर या सेट आर जो कि शेडेड है, इसमें हम अगर देख सकते हैं तो यहां पर शेडेड रीजन के अंदर दो पॉइंट हमें ऐसे मिल पा रहे हैं पेयर जिनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये पूरी तरीके से शेडेड रीजन में नहीं आ रही, शेडेड रीजन से बाहर जा रही है। इसका मतलब ये जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो यहां पर सी जो है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। यहां पर ये कहता है इफ x1 x2 आर टू डिफरेंट पॉइंट, अगर x1 x2 दो डिफरेंट पॉइंट है देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, अगर x1 x2 दो पॉइंट है तो उनके कॉम्बिनेशन से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं वो हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर x1 x2 दो डिफरेंट पॉइंट है तो उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से अगर कोई पॉइंट बनता है तो x कोई कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा x1 x2 का, अगर x किस फॉर्म में लिखा जा सके, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। यहां पर लैम्डा की रिस्ट्रिक्शन होगी कि लैम्डा रियल नंबर होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी हमने डिस्कस की थी, दो पॉइंटों का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनता है वो हमेशा क्या होता है, उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, यानी कि एक्स वन एक्स टू का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो जो पॉइंट आएंगे वो सारे वो पॉइंट्स होंगे एक्स जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर लाई करेंगे। और यानी कि इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी एक्स वन एक्स टू के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम जानते हैं एक लाइन सेगमेंट पर, एक छोटे से टुकड़े पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब x1 x2 के कॉम्बिनेशन से कितने पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पॉइंट x इज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू x1 x2 पॉइंट्स देन x इज गिवन बाय दिस वेयर लैम्डा सेटिस्फाई। तो यही ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो जाता है कि यहां पर लैम्डा क्या होना चाहिए अगर x जो पॉइंट है वो x1 x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि ये ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, S1 एक सेट है जिसमें कि टू डायमेंशन स्पेस में है, जिसमें कि हमारे पास पॉइंट x और y इस तरीके से है कि x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 1। तो प्यारे दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो इसे देख लेते हैं। ये इलिप्स की इक्वेशन होगी जो कि मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगा क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और माइनर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर होगी। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, जो कि किसकी इक्वेशन है प्यारे दोस्तों, ये इक्वेशन है किसकी, सर्कल के इंटीरियर पार्ट की, और ये भी ये जो है वो इलिप्स के इंटीरियर पार्ट की। तो ये इलिप्स जो है वो इसके इंटीरियर पार्ट को डिनोट करेगा, ये S1 सेट, और S2 सेट जो है वो सर्कल को जिसका रेडियस यहाँ पर कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर इजिकल टू 4 यानी कि सर्कल की रेडियस जो ए इक्वल टू है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर और ये इसकी जो माइनर एक्सिस है वो कितनी है, बी स्क्वायर इजिकल टू 4, इसका मतलब माइनर एक्सिस बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो 2 यहाँ पर इसका मेजर माइनर एक्सिस है और यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस है और 2 यहाँ पर इसकी रेडियस है। तो इसका मतलब जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि यहाँ से होकर जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से जो है वो सर्कल आएगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जो सर्कल है ये कह रहा है क्वेश्चन में, पहले देख लेते हैं कि कह रहा है S1 एक सेट है और S2 एक सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो यहाँ पर S1 यूनियन S2 की बात कर रहा है, S1 इंटरसेक्शन S2 की और S2 की और नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो पहले तो ये देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से कॉन्वेक्स सेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर S1 इंटरसेक्शन S2 की बात अगर हम करें तो S1 जो सेट है वो इलिप्स है। तो प्यारे दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर कोई भी सेट ऐसा है ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके लेस देन इक्वल टू यानी कि इंटीरियर पार्ट को, तो इस शेडेड रीजन के अंदर अगर हम देखें तो कहीं भी कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से इसी के अंदर लाई कर रही है। इसका मतलब ये सेट कैसा सेट है, कॉन्वेक्स सेट है। इसका मतलब इलिप्स वाला सेट S1 जो है वो कॉन्वेक्स सेट है। उसी तरीके से अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, इसमें जो है वो सर्कल के इंटीरियर पॉइंट इंक्लूडेड है और बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। तो ये सेट के अंदर भी अगर हम देखें तो कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से इसी के अंदर लाई करेगी, यानी कि ये सेट भी कैसा सेट है, S2 कॉन्वेक्स सेट है। और प्यारे दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर दो सेट कॉन्वेक्स सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है। तो इसका मतलब ये जो S2 है वो भी कॉन्वेक्स सेट हुआ और S1 इंटरसेक्शन S2 जो सेट है ये भी कॉन्वेक्स सेट हुआ, पर यहां पर यूनियन वाला सेट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्वेक्स सेट हो। तो प्यारे दोस्तों ये बात यहां से क्लियर भी हो जाती है कि S1 यूनियन S2 जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर वो पॉइंट आएंगे जो सर्कल पे भी हो और साथ ही साथ इलिप्स के अंदर भी हो, सर्कल के अंदर भी हो और इलिप्स के अंदर भी हो। तो जब हम ट्रेस करेंगे तो इलिप्स जो है वो थोड़ा सा बेंड होता है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है कहाँ पर, मेजर और माइनर एक्सिस पर। तो फ्लैट हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर ये जो सर्कल का पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ पार्ट है जो ऊपर उठा हुआ होगा। और ये पॉइंट पे ये पोर्शन में एक भी पॉइंट अगर हम लें और यहाँ पर एक पॉइंट लें तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का कुछ हिस्सा जो है वो बाहर रह जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो शेप बनेगी, जो यूनियन वाली सेट बनेगी, वो कॉन्वेक्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये सेट कौन सा वाला, यूनियन वाला सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों चलो दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एस इज सेट टू बी क्लोज, कोई भी सेट क्लोज कहलाता है इफ इट कंटेन्स ऑल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी सेट अगर क्लोज सेट होना है तो वो तभी होगा जब वो अपने सारे बाउंड्री पॉइंट को कंटेन करता हो। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये क्लोज सेट है क्योंकि यहाँ पर इसमें लेस देन मतलब इंटीरियर पॉइंट है सर्कल के और इक्वल टू भी इंक्लूडेड है यानी कि बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। तो ये सेट एक बाउंडेड क्लोज सेट है क्योंकि ये बाउंड्री भी इंक्लूड कर रहा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर क्लोज सेट होने की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, सेट एस इज सेट टू बी क्लोज इफ इट इज इफ कंटेन ऑल इट्स क्या कंटेन करे, बाउंड्री पॉइंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट है इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों कॉन्वेक्स सेट के लिए ये जो ऑप्शन ए है यहाँ पर, ये ऑप्शन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल जिसकी रेडियस 3 है और सेंटर ओरिजन है, ऐसे सर्कल की बाउंड्री क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंक्लूडेड है तो बाउंड्री के पॉइंटों को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री वाला, यहाँ पर ये बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं, इन बाउंड्री के पॉइंटों पे से अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा
जो है वो उसके हर एक पॉइंट बाउंड्री पर नहीं आएंगे, बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये जो सेट है वो इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि इसके कोई भी दो पॉइंट ले तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस बाउंड्री पर ही आएंगे, तो इसका मतलब ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब इस सेट के अंदर वो सारे पॉइंट है जो इसके अंदर वाले भी पॉइंट है और बाउंड्री भी पॉइंट है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट लेंगे, चाहे अंदर ले चाहे बाउंड्री पर ले, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से जो है वो इस रीजन में, शेडेड रीजन में लाई करेगी जो बाउंड्री और इंटीरियर पॉइंट से बनी है। इसका मतलब यही सेट जो है वो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती बात, ये एक और क्वेश्चन है, द सेट एक्स इज इक्वल टू सी एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो एच इज इक्वल टू एक्स वाला जो सेट होता है जिसमें कि सी एक्स इज इक्वल टू जेड हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, हाइपर प्लेन। ठीक है, हाइपर प्लेन 2D में अगर बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 3D में बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, और ND में रिप्रेजेंट बात करें एन डायमेंशन में तो ये हाइपर प्लेन कहलाएगा। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये जो हाइपर प्लेन है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये हाइपर प्लेन जो है वो हमेशा एक कैसा सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। और ये ही नहीं प्यारे दोस्तों, कोई भी हाइपर प्लेन ना होकर ओपन हाफ स्पेस प्लेन कहते हैं, अगर यहाँ पर सी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये वाला जो सेट है इसे बोलते हैं ओपन हाफ स्पेस। ठीक है, यहाँ पर इक्वल है तो हाइपर प्लेन कहलाएगा और ग्रेटर है तो हाफ स्पेस कहलाएगा। तो ये ओपन हाफ स्पेस है क्योंकि इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, इक्वल इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से सी एक्स लेस देन जेड, ये भी ओपन हाफ स्पेस कहलाएगा, इसमें भी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ इक्वल आ जाए तो ये क्लोज हाफ स्पेस कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चाहे वो हाइपर प्लेन हो, चाहे वो ओपन हाफ स्पेस हो, चाहे वो क्लोज हाफ स्पेस हो, हर एक ये सेट जो है वो कैसा सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है, ये एक थ्योरम का रिजल्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि द सेट एच इज इक्वल टू दिस इज क्या है। तो एक तो ये ओपन हाफ स्पेस है, पहली बात ए सही है, दूसरा ये कॉन्वेक्स सेट है, ये भी सही है, क्लोज सेट नहीं है क्योंकि इक्वल यानी कि बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों, द कॉन्वेक्स हुल ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट है उनका कॉन्वेक्स हुल हमें यहाँ पर बताना है क्या बनेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स हुल मतलब क्या होता है। कॉन्वेक्स हुल मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट x है तो उस सेट x के कॉन्वेक्स हुल को सी एक्स से डिनोट करते हैं। तो कॉन्वेक्स हुल ऑफ x का मतलब होता है कि x के अंदर जितने भी पॉइंट है सेट x के अंदर, उनके सारे पॉइंट के कॉम्बिनेशन से, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो नए पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन अगर कर लिया जाए तो वो जो सेट तैयार होगा उसे कॉन्वेक्स हुल कहा जाएगा x का। फिर से रिपीट करता हूं, किसी सेट x के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्सों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाए तो जो सेट तैयार होगा उसे कॉन्वेक्स हुल ऑफ x कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो ये सर्कल के ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कॉन्वेक्स हुल की बात कर रहा है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर बात करें तो जितने भी पॉइंट हैं उनका कॉन्वेक्स हुल बनाना है, इसका मतलब इनके बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट हैं उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट्स बन सकते हैं उनको लेकर एक सेट बनाना है सबका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए मान लो यही दो पॉइंट अगर हम सर्कल की बाउंड्री के लेते हैं तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आएगी, हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों पॉइंट को कोई भी दो पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो लाइन बनती है, लाइन बनती है दोनों को ज्वाइन करने से, वो उन दोनों पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से बनने वाले पॉइंट का कलेक्शन होगा। यानी कि इन्हीं दो पॉइंटों से कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट बन सकते हैं वो सारे के सारे इस लाइन पर आएंगे। फिर नेक्स्ट और दो पॉइंट ले लें, ये वाला और ये वाला, तो इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट बनेंगे वो इस लाइन पर आएंगे। इसी तरीके से अगर हम सबका सारे पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएं तो देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पर क्या हुआ, पूरे सर्कल के अंदर का पार्ट यानी कि इंटीरियर पार्ट कवर हो गया। यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट है उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, पूरा का पूरा सर्कल का इंटीरियर पार्ट। तो यहाँ पर इसका कॉन्वेक्स हुल फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इंटीरियर ऑफ सर्कल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है 24, द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट दिस, इस सेट का एक्सट्रीम पॉइंट हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सट्रीम पॉइंट होना है तो कोई भी पॉइंट x एक्सट्रीम पॉइंट तभी कहलाएगा जब किसी कॉन्वेक्स सेट का, अगर कॉन्वेक्स सेट के अंदर हम कोई भी दो ऐसे पॉइंट डिफरेंट x1 x2 ना ढूंढ पाए कि जिनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में x को लिखा जा सके। या ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सेट कॉन्वेक्स सेट होना है, कोई वो एक्सट्रीम पॉइंट होना है कोई भी कॉन्वेक्स सेट का, x पॉइंट अगर कॉन्वेक्स सेट होना है
तो उस केस में उस कॉन्वेक्स सेट में अगर कभी भी हमें कोई दो डिफरेंट पॉइंट ऐसे ना मिल पाए अदर देन एक्स, जिससे कि जिन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये एक्स आता हो, ऐसे अगर हमें कभी भी कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट एक्स के अलावा ना मिले जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक्स ये पॉइंट आए, तो उस केस में वो पॉइंट एक्स जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि इस सेट के लिए क्या होने वाला है। तो पहले तो ये मोड एक्स लेस देन 5 का मतलब क्या है? मोड एक्स लेस देन 5 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू किससे ग्रेटर हो, -5 से ग्रेटर और +5 से लेस, यानी कि -5 और +5 के लेस देन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी अलाउ है तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। दूसरा, ये मोड वाई लेस देन इक्वल टू 5 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वाई -5 से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल +5 होगा। इसका मतलब जो है वो रीजन क्या होगा, एक बार प्यारे दोस्तों देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस ये ले लेते हैं और वाई एक्सिस ये ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू -5 लाइन कहाँ होगी? एक्स इक्वल टू -5 लाइन होगी वाई एक्सिस के पैरेलल -5 डिस्टेंस पर। मान लिया ये लाइन होगी एक्स इक्वल टू -5, ये एक्स इक्वल टू -5 लाइन होगी। नेक्स्ट बात आती है एक्स इक्वल टू +5 लाइन कहाँ होगी? एक्स इक्वल टू +5 लाइन जो होगी वो इस वाई एक्सिस से पैरेलल होगी और 5 डिस्टेंस पर होगी, +5 डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ कहीं पर x इक्वल टू 5 लाइन होगी। नेक्स्ट फिर y इक्वल टू -5 लाइन कहाँ होगी? y इक्वल टू -5 लाइन होगी, y इक्वल टू है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी +5 डिस्टेंस पर, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू 5 लाइन, y इक्वल टू 5 लाइन। ये एक y इक्वल टू -5 लाइन नीचे आ जाएगी, y इक्वल टू -5 लाइन ये आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो सेट है वो कह रहा है -x और प्लस x की वैल्यू -5 और +5 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में, और y की वैल्यू -5 और +5 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन कौन सा बनता है? ये शेडेड रीजन बनता है। अब हमसे वो यहाँ पर बोलता है कि ये फाइंड आउट करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट, इस सेट के एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं। तो प्यारे दोस्तों किसी भी सेट का एक्सट्रीम पॉइंट निकालना हो और अगर वो पॉलीगन बन जाता है कॉन्वेक्स सेट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट जो है वो एक स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर एक पॉलीगन यानी कि बहुभुज है। तो उस पॉलीगन का एक थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एक पॉलीगन का हर एक कॉर्नर पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पता करना है तो यानी कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स पता कर लो। तो कितने कॉर्नर पॉइंट है? 4। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है? +5 डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस पर भी +5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,5। ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? ये एक्स एक्सिस पर -5 डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस पर +5, तो इसके कोऑर्डिनेट -5,5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5,-5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,-5। तो इस तरीके से हमें एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से मिल जाते हैं? 5,5, -5,5, -5,5 और 5,-5। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है। चले प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी कॉन्वेक्स सेट का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो हमेशा एक बाउंड्री पॉइंट होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है, पर हर एक बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता। ध्यान रहे कि जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो एक बाउंड्री पॉइंट में से होता है, पर हर एक बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था या इसी ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, यहाँ देख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है और इस पॉलीगन के एक्सट्रीम पॉइंट अभी डिस्कस किया कि कितने कौन कौन से होंगे जो कॉर्नर पॉइंट है, और कॉर्नर पॉइंट भी यहाँ पर क्या है? बाउंड्री पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा अगर उसकी कोई भी नेबरहुड बनाए एप्सिलॉन। नेबरहुड कैसे बनती है कि अगर पॉइंट को की नेबरहुड बनानी है तो उसके अबाउट एक स्मॉल रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो, सर्कल ड्रॉ कर लो, तो उसके अंदर ऐसा एक सर्कल अगर बनाया जा सके हमेशा कि कुछ पॉइंट सेट के अंदर के आए और कुछ बाहर के, तो वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। तो यहां पर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल कोई भी बनाएंगे तो उसमें कुछ पॉइंट सेट के अंदर के यानी कि शेडेड रीजन वाले आएंगे और कुछ बाहर के, इसका मतलब ये पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है। ऐसे ये भी बाउंड्री पॉइंट है, ये भी बाउंड्री पॉइंट है, और ये एक्सट्रीम पॉइंट भी है क्योंकि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये इसके कॉर्नर पॉइंट है, और हमने डिस्कस किया था हर एक पॉलीगन का कॉर्नर पॉइंट जो भी होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम पॉइंट भी है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट, तो ये बात तो क्लियर है। पर हर एक बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हो ये श्योर नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये देखें कि इसकी इस साइड पर ये एक पॉइंट है जो कि बाउंड्री पॉइंट तो है पर ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। क्यों एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट तब कहलाता है जबकि सेट के अंदर उस पॉइंट के अलावा कोई और दो पॉइंट ऐसे ना मिल पाए जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर ये पॉइंट लाई करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर ये दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर ये लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। ये पॉइंट हाँ एक्सट्रीम पॉइंट है क्योंकि ये इसके लिए हम सेट के अंदर कोई भी दो इसके अलावा पॉइंट नहीं देख सकते जिनको ज्वाइन करने वाले ढूंढ सकते जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन पर ये लाई करे, इसलिए एक्सट्रीम
पॉइंट है। इसका मतलब एवरी बाउंड्री पॉइंट कैन नॉट बी एक्सट्रीम पॉइंट बट एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। हेलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारे दोस्तों यहाँ पर है फॉर द एलपीपी। ये एलपीपी है हमारे पास मिनिमम जेड इज इक्वल टू 20x1 + 10x2 और यहाँ पर ये कंस्टेंट हमें दी हुई है। तो इसके लिए द वैल्यू ऑफ जेड मिनिमम एट द पॉइंट, जेड की वैल्यू मिनिमम किस पॉइंट पर होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों पहले तो एक बात यहाँ पर हमें चेक करनी है कि इन सारे पॉइंटों में से दो तरीके हैं, या तो इसे सॉल्व कर लो ग्राफिकल मेथड से, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि सिंपल सा इन पॉइंटों को रख कर देख लो। क्योंकि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा जिसके लिए जेड मिनिमम आएगा, पहली बात तो वो इसका फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कंस्टेंट को और नॉन नेगेटिविटी की बात को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा पॉइंट इसे सबको सेटिस्फाई करता है। तो 40,0 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 40,0 x1 की वैल्यू 40 और x2 की 0 रखते हैं, तो x2 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर x1 40 रखेंगे 40, तो इक्वल वाली बात सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारा बन रहा है 40 < 40, तो ये बात ट्रू हो जाएगी अगर इक्वल है तो, ये बात यानी कि सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट रखते हैं x1 = 40, इसमें रखते हैं और x2 0, तो ये 0 हो जाएगा और 40 × 3 = 120 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 > 30, तो बात सही है क्योंकि ग्रेटर का साइन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। 40,0 इसमें रखते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो 4 × 4 = 60 = 160 आ जाएगा, 160 > 60, ये भी बात सेटिस्फाई है। यानी कि ये पॉइंट सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं x1 40 और x2 0 रखने पर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर x2 0 रखेंगे 0 और ये 40 यहाँ पर रखेंगे तो ये 800 आ जाएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू 800 आ रही है। दूसरे पॉइंट के लिए देखते हैं पहले दोस्तों 4,18 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसे चेक करेंगे 4 और 18 टू जो 36, तो 36 + 4 यहाँ पर 40 आ जाएगा, बात सेटिस्फाई कर रही है, इक्वल आ रहा है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं 8 × 4 = 12 आ जाएगा और +18, ये भी 30 बात सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट को सेटिस्फाई चेक करते हैं 4 × 4 = ये वाला पॉइंट यहाँ पर रखेंगे x1 की जगह पे 4, x2 की जगह पे 18, तो 4 × 4 = 16 आ जाएगा और 18 × 3 = 54 + 16 ये भी 60 आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी पॉइंट सारी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम जेड की वैल्यू देखें तो यहाँ पर x1 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 8 ये तो 80 आ जाएगा प्लस 10 × 18 यानी कि 180, तो ये सॉल्व करके 260 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट पॉइंट ये 6,12 रख कर देखते हैं, तो 6,12 अगर हम रख कर देखें तो 6 प्लस इसी तरीके से रख कर देखेंगे तो प्यारे दोस्तों इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिनिमम आएगी, हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो प्यारे दोस्तों यही आंसर आएगा, आप रख कर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको आइडिया बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कहता है फॉर द एलपीपी जेड इज इक्वल टू दिस, ये हमें एलपीपी दी हुई है, तो वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी। तो प्यारा दोस्तों यहाँ पर भी हम जेड की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें पॉइंट तो दिए हुए नहीं है ऑप्शन में, तो इस केस में हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं। एलपीपी को इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, तो यहाँ पर सबसे पहले तो सारी कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू की है, उन्हें इक्वल बना लो। इक्वल बना लिया तो फिर इन्हें ये इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन को सबसे पहले प्लॉट कर लेंगे जो कि इक्वेशन लाइन की बन रही है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो टू पॉइंट्स इसके निकाल लेंगे। एक बार x1 0 रख देते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दूसरी बार x2 को 0 रख देते हैं तो x1 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके 5/2 आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों एक तो यहां पर ये आ गया, यहां पर हमने x1 एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल डिस्टेंस ले ली और ये 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा 0,5। 0,5 का मतलब एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर x2 एक्सिस पर 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 0,5। और प्यारे दोस्तों दूसरा 5/2,0 यानी कि 2.5,0, तो 0 है x2 की वैल्यू, इसका मतलब ये पॉइंट x1 एक्सिस पर होगा। x1 एक्सिस पर हमें कितने डिस्टेंस चलना है, यहाँ पर 2.5, तो 2.5 डिस्टेंस 2 यहाँ पर और 0.5 यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों दोनों को मिलाकर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये एक लाइन आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, यहाँ ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये पहली वाली लाइन आ गई हमारी, ये 2x1 + x2 = 5 वाली। नेक्स्ट x1 - x2 = 1, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसके भी दो पॉइंट निकाल लेते हैं। एक बार x1 0 रख लेते हैं तो x2 की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक बार x2 0 रख लेते हैं
तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1, 0 एक पॉइंट हो जाएगा, ये वाला 1, 0 और एक होगा 0, -1, तो 0, -1 ये नीचे पॉइंट आ जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस पर माइनस वैल्यू रख रहा है, इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगी। तो ये वाली लाइन जो आ जाएगी वो आ जाएगी दूसरी कंस्टेंट 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, ये वाली कंस्टेंट आ गई। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये एक और कंस्टेंट है x2 लेस देन इक्वल टू 2 को हमने यहाँ पर इक्वल बना लिया, तो x2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और x2 इक्वल टू 2 क्या होगी, ये भी एक लाइन होगी जो कि x1 एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस पर होगी। तो x1 एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस पर एक लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पर कहीं पर ये एक 2 डिस्टेंस पर लाइन आएगी x1 एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस पर। बट प्यारे दोस्तों पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, हो सकता है ये पॉइंट यहीं से ही होकर जाए, 2 यहाँ पर आ जाए। तो पहले इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, x2 कट जाएगा, 5 + 1 = 6 आ जाएगा और 2x1 + x1 = 3x1 आ जाएगा। तो x1 = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x1 = 2 प्यारे दोस्तों यहीं पर ही आ रहा है, x1 = 2 यहीं पर आ रहा है, यानी कि x1 तो 2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं x2 की वैल्यू, दोनों को सॉल्व करके क्या आएगी। तो x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से 2 रख देते हैं, x1 2 आ गया, तो x1 = यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो x2 कितना आ जाएगा, 2 - 1, x2 = 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट 1 डिस्टेंस पर होगा x2 पर, तो इसका मतलब x2 = 2 इससे ऊपर होगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, x1 2 निकाला है और x2 1 निकाला है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो x2 = 2 लाइन कहाँ होगी, इससे ऊपर यहाँ कहीं पर आएगी, ये x2 = 2 लाइन होगी, x2 = 2 लाइन। अब रीजन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन सा बनेगा। यहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पर 5 वाले पर, पहली कंस्टेंट पर, यानी कि इस कंस्टेंट पर जिसकी हम ये लाइन पहली वाली ड्रॉ की थी, पहली वाली लाइन ये वाली ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन के लिए इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो लेस देन इक्वल टू का साइन जब भी होगा तो रीजन लाइन के उस साइड होगा जहां पर ओरिजन है, जिस साइड, तो इसके ओरिजन साइड वाला रीजन होगा जो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एरो उस साइड आएगा जहां ओरिजन है, तो ओरिजन इस साइड है, यहां पर इधर आ जाएगा। दूसरी कंस्टेंट में भी पॉजिटिव है राइट साइड और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये दूसरी कंस्टेंट इक्वल टू 1 वाली जो है इसमें भी ओरिजिन साइड जाएगा, तो ओरिजिन इसके लिए किस साइड है, इधर, तो इसलिए एरो इधर आएगा, तो सारा रीजन इसके इधर होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमारे पास x2 = 2 वाली कंस्टेंट है, ये भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इसमें भी ओरिजिन के साइड एरो आएगा। तो प्यारे दोस्तों इन सभी बातों को सेटिस्फाई करता हुआ कॉमन रीजन कौन सा बन जाता है, ये वाला, ये शेडेड रीजन जो है वो कॉमन रीजन यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये इसका कॉमन रीजन है प्यारे दोस्तों, तो बाउंड्रीज इसकी क्या बनने वाली है, यहाँ पर ये इसकी बाउंड्री बन जाएगी इस तरीके से, ये इसकी बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक पॉलीगन बन गया। तो अगर हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से किसी भी LPP को, या तो उस LPP को आइसोप्रोफिट लाइन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम कॉर्नर पॉइंट से। तो यहाँ पर मैं आइसोप्रोफिट लाइन से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आइसोप्रोफिट लाइन के अकॉर्डिंग पहले जेड की वैल्यू जो भी है उसे 0 रख दो, तो जेड की वैल्यू को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2x1 + 3x2 = 0। तो यहाँ से x1 / x2 की वैल्यू निकाल लो, तो x1 / x2 = आ जाएगा -3/2, x1 / x2 की वैल्यू -3/2। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि इस रेशो में कोई भी एक पॉइंट लेना है जिसके x1 x2 की ऐसी दो वैल्यू ले, ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका रेशो 3/2 है, -3/2 है। तो एक काम करते हैं हम कि वो पॉइंट -3, 2 ही ले लेते हैं, तो x1 की वैल्यू -3 और x2 की वैल्यू 2 लेंगे तो रेशो -3/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं, तो x1 की वैल्यू -3 कहाँ पर होगी, तो -1 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइड, और ये -3, तो -3, 2 यहाँ पर कहीं पर होगा x2 = 2 लाइन पर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा प्यारे दोस्तों। और ये जो भी पॉइंट है -3, 2 इसको ओरिजिन से मिला दो, इसको अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आएगा इसे बोलेंगे आइसोप्रोफिट लाइन। ये वो लाइन होगी, आइसोप्रोफिट लाइन किसे कहते हैं, जिस पर हमेशा जेड की वैल्यू सेम बनी रहेगी हर एक पॉइंट के लिए, यानी कि कोस्ट हमेशा सेम बनी रहेगी, इसलिए इसे आइसोप्रोफिट या आइसो कोस्ट लाइन भी बोलते हैं। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे उन सभी के लिए जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू या कोस्ट या प्राइस हमेशा सेम रहेगी।
अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट मेथड आइसो प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन निकालना है, और प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। तो इस लाइन के पैरेलल मूव करते हुए हमें देखना है कि इस जो भी पॉलीगन बना इसका लास्ट टच कौन सा इसे टच करेगा, लास्ट कॉर्नर किसे इसे इस लाइन को टच करेगा। इसके पैरेलल चलाते चले जाओ, तो पैरेलल चलाते चले जाएंगे, इसको मूव कराते चले जाएंगे, तो लास्ट कॉर्नर इसे कौन सा टच करेगा हमें दिख रहा है, वो ये वाला टच करेगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन ये वाला पॉइंट बनेगा एलपीपी का। ये पॉइंट कैसे निकले, अब हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ग्राफ में रीड करना थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर होगा कि ये जिन दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट बनाए उन्हें सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये वाली लाइन हमें पता है कौन सी थी, x2 is equal to 2, और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन थी हमारी पहली वाली 2x1 plus x2 is equal to 5। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 2x1 plus x2 is equal to 5 को और x2 is equal to 2 को, तो x2 is equal to 2 यहां पर रिप्लेस कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 2x1 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 माइनस 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 2x1 इज इक्वल टू 3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3/2, तो ऐसा x1 इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अगर x1 की वैल्यू मिल गई और x2 हमारे पास ऑलरेडी कितना था 2, तो x2 इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो x1 x2 की वैल्यू मिल गई है। अब प्यारे दोस्तों बस इसके लिए हमें z देखना है, ये वैल्यू रखकर, तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू x1 की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी 3/2, तो 2 इंटू 3/2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी 2, तो 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, तो सॉल्व करके कितना आंसर आ जाता है 9। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9 आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इफ़ फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए डेल जे अगर नेगेटिव आ जाता है फॉर ऑल जे इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देन द सॉल्यूशन विल बी। तो अगर नॉन बेसिक वेरिएबल जितने भी हैं उनके लिए डेल जे की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, यानी कि नेगेटिव आ जाती है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो हमने डिस्कस किया था यूनिक होगा और ऑप्टिमल होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा कि जो भी सिंप्लेक्स टेबल से हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं, तो जब टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर बी सी बी एक्स बी और यहाँ पर सी जे आता है, और यहाँ पर ये वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर आते हैं y1 y2 y3 y4। तो जो यहाँ पर बेसिस में दिखाई देते हैं उन्हें बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर y1 y3 अगर है, तो इसका मतलब ये y1 और y3 यहाँ पर होने का मतलब x1 और x3 बेसिक वेरिएबल हैं, और यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर y1 और y3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे, तो हमेशा जो डेल जे की वैल्यू होती है जो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल है, यानी कि y1 y3 अगर यहाँ बेसिस में है, तो इनके नीचे हमेशा डेल जे की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी कि बेसिक वेरिएबल के लिए तो हमेशा डेल जे की वैल्यू जीरो होगी, बट नॉन बेसिक वेरिएबल जो यहाँ नहीं है उनके लिए डेल जे की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। बट अगर फाइनल सिंप्लेक्स टेबल की बात करें, तो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में हम टेबल में रुकते कहां पर है, ये टेबल कहां पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है, जबकि डेल जे की वैल्यू में कोई भी पॉजिटिव टर्म ना आए। तो फिर दो ऑप्शन बचते हैं कि डेल जे की जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनके लिए वैल्यू या तो नेगेटिव होगी, है नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू, तो उस केस में सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। इन केस अगर जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनके लिए डेल जे की वैल्यू किसी भी एक के लिए जीरो आ जाती है, तो उस केस में सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा, बाकी एक के लिए जीरो हो जाती है, बाकी सबके लिए नेगेटिव आती है, तो बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए अगर, तो उस केस में सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो हो जाएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। बट अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डेल जे की वैल्यू जीरो आ गई, तो उस केस में सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो होने के साथ साथ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होगा, यानी कि उसका सेम जेड की वैल्यू देने वाले और भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। किस केस में, अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग किसी एक या दो वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डेल जे की वैल्यू जीरो आ जाए और बाकी अदर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव रहे, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है फाइनल सिंप्लेक्स टेबल से एलपीपी का ऑप्टिमल एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा। बट अगर ऐसा हो कि डेल जे की किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जीरो ना बने, सारे की सारी नेगेटिव बने, तो उस केस में सॉल्यूशन ऑप्टिमल होने के साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय, सिंप्लेक्स मेथड किसने डेवलप किया था। तो सिंप्लेक्स मेथड जो सबसे पहले डेवलप किया था वो हमने डिस्कस किया है जॉर्ज डेंजिंग ने। कब डेवलप किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर, किस ईयर में, 1947 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। इन सिंप्लेक्स मेथड द इनकमिंग वेक्टर इज ऑलवेज सेलेक्टेड कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो सिंप्लेक्स मेथड जब हम लगाते हैं प्यारे दोस्तों, तो इनकमिंग वेक्टर, जैसे कि हमारा ये सिंप्लेक्स टेबल है, तो इसमें इनकमिंग वेक्टर
कौन सा वेक्टर लेते हैं, वो वेक्टर लेते हैं पहली बात तो, जबकि यहाँ पर डेल जे की वैल्यू में कोई ना कोई पॉजिटिव दिखने लगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है डेल जे की कोई भी तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया, अगली टेबल बनेगी। अगली टेबल बनने का मतलब कोई इनकमिंग वेक्टर चूज करना पड़ेगा, तो इनकमिंग वेक्टर किसे चूज करते हैं, जो भी डेल जे की वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है उसे। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इन सिंप्लेक्स मेथड The incoming vector is always selected corresponding to largest positive value of del j, smallest positive value of del j, largest negative value of del j, smallest negative value of del j। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, largest positive value of del j के लिए हम incoming vector चूज करते हैं सिंप्लेक्स। नेक्स्ट है इन बिगेम मेथड एम स्टैंड फॉर, बिगेम मेथड में एम क्या है, बिगेम मेथड में एम क्या होता है, ये यहाँ पर ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो बिगेम मेथड में एम जो होता है वो वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और माइनस एम की अगर बात करें तो वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी होता है। तो एम इज वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी या वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद बात आती है व्हेन वी अप्लाई टू फेस मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी, इन फेस फर्स्ट वी टेक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब भी हम टू फेस मेथड लगाते हैं तो फेस फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, भले ही चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, हमेशा हमें वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेना होता है, माइनस सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर एलिमिनेटेड इन फेस फर्स्ट, फेस फर्स्ट में कौन से वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं टू फेस मेथड के। तो प्यारे दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो टू फेस मेथड है वो दो फेस में इसलिए क्या काम करता है, उसमें टू फेस में क्या काम होते हैं। फेस फर्स्ट में तो जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस से रिमूव किए जाते हैं। फेस सेकंड में क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट जो सॉल्यूशन आया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सेकंड फेस में हम उसे क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ को प्रोसीड करते हैं, यानी कि उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जेड की वैल्यू और बेटर होती चली जाए। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फेस फर्स्ट में हमें क्या एलिमिनेट करना होगा, विच ऑफ द वेरिएबल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम फेस फर्स्ट, तो वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, If all the element in the column of the incoming vector in simplex table, simplex table के जो incoming vector है, जिसको भी हम del j positive, most positive को हम incoming vector लेकर चलते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर entries हैं वो कह रहा है all the elements in column of incoming vector in simplex table are of नेगेटिव साइन, सारे नेगेटिव हैं, देन द सॉल्यूशन क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को याद होता है जब हम सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर मान लो y1 और y2 ये है, इस तरीके से कॉलम दिए हैं, और यहाँ पर ये इनकमिंग वेक्टर बन जाता है मोस्ट पॉजिटिव, तो हम आउटगोइंग वेक्टर ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढते हैं, xb और इनकमिंग वेक्टर के एलिमेंटों का रेशो देखते हैं। अगर यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर के अंदर यहाँ पर नेगेटिव या जीरो है, तो प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर इनके साथ रेशो नहीं देख पाते, उन्हें ब्लैंक छोड़ देते हैं, ऐसा सिंप्लेक्स मेथड कहता है। और जब भी ऐसा हो कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ना दिखाई दे, यानी कि इनकमिंग वेक्टर में सारी एंट्री या तो नेगेटिव हो या जीरो हो, तो उस केस में हम यहाँ मिनिमम रेशो नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी कि आउटगोइंग वेक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे, और उस केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिफिशियल वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बिगेम मेथड, कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जिससे कि हम यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बना सकें। जब हमें यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम नहीं मिलते स्लैक और सरप्लस वेरिएबल से, तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहली कंस्टेंट है 3x1 + 2x2 = 8, ये इक्वालिटी में ऑलरेडी ऐसे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, स्लैक सरप्लस की जरूरत नहीं है। दूसरी कंस्टेंट है यहाँ पर 4x1 - 7x2, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो एक स्लैक वेरिएबल आएगा x3 = 14। प्यारे दोस्तों लास्ट वाली कंस्टेंट है x1 + 6x2, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल आएगा, इक्वल करने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा नया वेरिएबल x4, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 के इक्वल। अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि 3 इक्वेशंस है, तो 3 कॉलम बनने चाहिए यूनिट मैट्रिक्स के, जिनके कॉलम क्या बनने चाहिए, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्या x1 से ऐसा बन पा रहा है यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम, 3 4 1, नहीं बन पा रहा। x2 से 2 - 7 6, नहीं बन पा रहा। x3 के क्वेश्चन से 0, x3 ऊपर नहीं है, 0 यहाँ पर, 1 और यहाँ पर 0, तो 0 1 0 एक कॉलम हमें मिल गया। बाकी दो कॉलम यहाँ पर और मिलने चाहिए, x4 से यहाँ पर बनेगा 0 0 और -1,
ये कॉलम यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब अभी दो कॉलम नहीं बने हैं, इसका मतलब दो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें ऐड करने पड़ेंगे। एक जिस जिस कौन कौन से नहीं बने हैं, 100 और 001, इसका मतलब एक 100 का मतलब एक पहले वाले में ऐड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल x7 और एक 001 यानी कि लास्ट वाली कंस्टेंट में ऐड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल xa2। तो दो आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही।